जंगल का राजा भले ही शेर हो, लेकिन जंगल पर सभी जानवरों का बराबर अधिकार होता है। जंगल दुनिया भर में मौजूद सभी जानवरों के लिए घर और भोजन की व्यवस्था मुहैया कराता है। जंगल में जब जानवर के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो टॉप प्रीडेटर्स का भोजन बनने वाले जीव भी डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। बफेलो और वाइल्डबीस्ट कुछ ऐसे हर्बीवोरस जानवर हैं जिन्हें अक्सर शेर या हाइना जैसे जानवरों का शिकार बनते ही देखा गया है। बड़े आकार के बावजूद ये जानवर अक्सर डिफेंसिव मोड में ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वाइल्डबीस्ट और बफेलो को जंगल में किसी भी जीव से लड़ते हुए नहीं देखा गया है। ऐसे कई क्लिप्स हमें मिलती हैं जहां गुस्से में लाल भैंसों के सर पर खून सवार होता है और फिर जो होता है वो किसी तांडव से कम नहीं होता। कुछ ऐसे ही रोमांचक और खौफनाक क्लिप्स लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जो बताती हैं कि समय आने पर भैंस और वाइल्डबीस्ट भी आक्रामक होने पर बहुत कुछ तबाह कर सकते हैं और जंगल के राजा शेर को भी आंख दिखा सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए हमारे साथ एनिमल किंगडम की दिलचस्प बैटल ऑफ का मजा लेने और उन चीजों की खोज करें जिन्हें आप पहले कभी नहीं जानते थे। भैंस और वाइल्डबीस्ट सबसे दिलचस्प जानवरों में से एक है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि विशाल आकार होने के साथ ही इन जानवरों को अक्सर घास चरते हुए, तालाब से पानी पीते हुए और बाकी जानवरों का शिकार बनते हुए भी देखा गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इन जंगली भैंसों को गुस्सा आता है और वो बैटल ऑफ में शिरकत करते हैं तो परिणाम क्या होता है? चलिए पहली क्लिप पर नजर डालते हैं जहां भैंसों का झुंड गुस्से में लाल है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि इस क्लिप में मौजूद शेर ने भैंसों के झुंड के एक अजीज साथी को अपना शिकार बनाया है, जिसकी वजह से इनका झुंड गुस्साया हुआ है और शेर से बदला लेने की फिराक में भैंस का पूरा झुंड मिलकर शेर को घेर लेते हैं और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब भैंस शेर से उलझने की गुस्ताखी कर रहा है। ऐसी कई क्लिप्स हैं जहां भैंस गुस्सा आने पर शेर और शेरनी दोनों पर हावी होते हैं। हमारी अगली क्लिप में एक अकेला भैंस शेर के पीछे दौड़ रहा है और उसे अपने इलाके से भगाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों शेर ही नहीं बल्कि भैंसों का दबदबा शेरनियों पर भी काम आता है। इस क्लिप में अकेला भैंस तीन शेरनियों को डराकर भगाने में सफल हो रहा है। जैसे ही भैंसा वापस लौटने का मन बनाता है वैसे ही शेरनी हमला करने के लिए उसके पीछे जरूर दौड़ती है, लेकिन गुस्साए भैंस को देखकर उनका हमला करने का जज्बा ठंडा हो जाता है। ये क्लिप हमें बताती है कि भैंस और शेर के बीच 36 का आंकड़ा है। जहां शेर भैंस को अपना शिकार बनाने के लिए उन पर हमला करते हैं, वहीं भैंसों का शेर से उलझना एक प्रकार का डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। ये जीव कभी भी खुद शेर के इलाके में घुसकर शिरकत नहीं करते, बल्कि शेर जैसे जीव खुद इनसे उलझने की हिमाकत करते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां शेर और शेरनियों का झुंड मिलकर भैंस को परेशान करने में तुले हुए हैं। देखा जाए तो भैंस चारों ओर से शिकारियों के झुंड से घिरा हुआ है। ऐसे में ये उनके करीब आने वाली शेरनियों को दूर करने की कोशिश में लगा है। और सबसे हैरानी की बात है कि तादाद में ज्यादा होने के बावजूद शेरनी भैंस पर न जाने क्यों हमला करती नजर आ रही है। दोस्तों शेर का हमला करने का तरीका काफी अलग होता है। ये जीव सीधे अपने शिकार की गर्दन को पकड़ में लेते हैं, जैसा कि इस क्लिप में भी दिखाई पड़ रहा है। ऐसी पोजीशन में खुद को शेर की पकड़ से बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। भैंस के हाथ में मामला तभी तक रहता है जब तक कि शेर उसकी गर्दन या पीठ पर नहीं बिलकते, क्योंकि तब इन जीवों के पास चांस होता है कि वो शेर को अपने सींग की ताकत से चारों खाने चित कर सके। इस क्लिप में शुक्र है कि भैंस की किस्मत अच्छी है, क्योंकि लाख मुश्किल के बाद भी भारी भरकम भैंस शेर को अपनी पीठ से उछाल कर गिराने में सफल हो जाती है। ऐसे में शेर को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। दोस्तों जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि भैंस का सबसे बड़े हथियार उनके हॉर्न्स होते हैं, जिनकी बदौलत ही ये जीव खुद का बचाव करते हैं। लेकिन शेर की आदत है कि वो सामने से हमला करने की बजाय पीछे से बिलकते हैं। ऐसे में भैंस के पास खुद को बचाने के विकल्प नहीं बचते। पर ऐसा नहीं है कि ये जीव शेर के खिलाफ हर लड़ाई में शिकस्त ही पाते हैं। कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां जंगल के राजा को मुंह की खानी पड़ती है। हमारी अगली क्लिप में भैंस बड़े आराम से शेर को घसीटते हुए ले जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आज भैंस की योजना शेर को चारों खाने चित करने की है। दोस्तों ऐसे ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जहां शेर छिपकर भैंस को अपना टारगेट बनाता है और उस पर हमला करता है। पहले तो ये जीव खुद को बचाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन शेर टस से मस नहीं होता। तभी वहां पर बेबी बफेलो का पूरा परिवार पहुंच जाता है, जो बेबी बफेलो को शेर का शिकार बनता देखकर उस पर थावा बोल देता है। आप देख सकते हैं कि भैंस के एक ही हमले में शेर कैसे हवा में गुलाटी मारता हुआ जमीन पर गिरा है। हैरानी की बात है कि गुस्से में तमतमाया भैंस इसके बाद भी नहीं रुकता, बल्कि वो हमला करने के लिए उसके पीछे ही दौड़ पड़ता है। ऐसा लग रहा है मानो आज ये जीव शेर के खून का प्यासा है और उसकी जान लेकर ही माने।
दोस्तों ये तो रही भैंस और शेर के बीच होने वाली जंग, जो हमें बताती है कि समय आने पर भैंस भी शेर पर भारी पड़ सकते हैं। शेर भले ही ताकत और शिकार के मामले में आगे हैं, लेकिन इन भारी भरकम जीवों का गुस्सा कभी कभी बहुत ही आक्रामक रूप धारण कर लेता है। कुछ ऐसा ही हमें वर्ल्ड बीस्ट के मामले में भी देखने को मिलता है। आमतौर पर वर्ल्ड बीस्ट अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले जानवर हैं। भैंसों की तरह इन जीवों को भी जंगल की दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए काफी खतरों को झेलना पड़ता है। शेर और चीता जैसे लैंड मैमल्स ही नहीं बल्कि मगरमच्छ जैसे रेप्टाइल भी इस जीव को अपना भोजन बनाने पर उतारू रहते हैं। ऐसे में खुद को बचाने के लिए वाइल्डबीस्ट को अक्सर एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है ताकि जंगल में अपने अस्तित्व को बरकरार रख सके। दोस्तों वैसे तो हम अक्सर वाइल्डबीस्ट को शेर और चीते का शिकार बनते ही देखते हैं, लेकिन कभी कभी ये जीव भी बड़े प्रीडेटर्स पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसा तब होता है जब ये हिम्मत के साथ खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। चलिए इस बात को कुछ क्लिप्स के माध्यम से साबित करते हैं। सबसे पहले शुरुआत चीता और वाइल्डबीस्ट की जंग से करते हैं, जहां अफ्रीका के खुले मैदानों में वाइल्डबीस्ट का झुंड चारों ओर फैला हुआ है। वही मौके पर चीता अचानक ही एक वाइल्डबीस्ट पर हमला कर देता है। अपने साथी को मुसीबत में देखकर दूसरा वाइल्डबीस्ट भी उसे बचाने को चीता पर झपट्टा मारता है। दोनों तरफ से हमले को देखकर चीते को मौके से फरार होना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि वाइल्डबीस्ट ने अपने सींग की ताकत से चीते पर बहुत ही तेजी से वार किया है, जिससे इस फुर्तीले जानवर को भी पीछे हटना पड़ता है। जंगल की दुनिया में जरूरी नहीं कि हमेशा टॉप प्रीडेटर ही बाजी मार जाए, कभी कभी स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म भी हमले पर भारी पड़ जाते हैं। दोस्तों अब ऐसे ही एक और क्लिप देखें जहां चीता पूरी स्पीड और ताकत के साथ वाइल्डबीस्ट के झुंड की तरफ दौड़ा चला रहा है। इसका फुर्तीला अंदाज देखकर कोई भी कह सकता है कि इस शिकार का बचना मुश्किल है। फुर्ती के साथ चीता वाइल्डबीस्ट के पूरे झुंड पर टूट पड़ता है और एक वाइल्डबीस्ट को अपने निशाने के तौर पर चुनता है। खुद को बचाने की कोशिश में पहले तो वाइल्डबीस्ट पूरी फुर्ती से दौड़ता है, लेकिन चीते के बाकी साथियों के भी मौके पर पहुंचने पर इन जीवों के बीच घातक घमासान शुरू हो जाता है। दो चीते मिलकर वाइल्डबीस्ट को निशाना बनाते हैं, लेकिन यह जीव भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये वापस उन्हें अपने सींग से नीचे गिराने की कोशिश में लगा है। इस मौके पर वाइल्डबीस्ट का पूरा झुंड वहां मौजूद है, लेकिन कोई भी इस जीव की मदद को आगे नहीं आ रहा है। कुछ देर के लिए दोनों चीते वाइल्डबीस्ट पर भारी पड़ जाते हैं और उसकी पीठ पर बाइट करके उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जीव पूरी ताकत के साथ दोनों चीता को अपनी पीठ से अलग कर देता है। अब इस जंग में तीन चीते शामिल हो गए हैं और तीनों का निशाना एक ही वाइल्डबीस्ट है, लेकिन हैरानी की बात है कि ये अकेला जीव इन तीनों का सामना कर रहा है और उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करता है। काफी देर चली इस लड़ाई में आखिरकार चीता को हार माननी पड़ती है और वापस जंगल की तरफ लौटना पड़ता है। वो समझ गए हैं कि आज ये जानवर हार मानने के मिजाज में नहीं है। दोस्तों जंगल का कोई भी जानवर अपने ऊपर हर हमले को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब बात बच्चे की आती है तो पानी सर से ऊपर चले जाता है। इस क्लिप में चीता ने वाइल्डबीस्ट के बच्चों को अपने शिकार के रूप में चुना है। चीता का केवल एक ही हमला वाइल्डबीस्ट के बच्चे को चीते के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, लेकिन इससे पहले चीता बेबी को अपना शिकार बना सके उससे पहले ही वाइल्डबीस्ट मौके पर पहुंच जाता है और गुस्से से लाल वाइल्डबीस्ट को देखकर चीता खुद ही बेबी को आजाद छोड़ देता है। चीते के जाने के बाद देखिए कैसे ये माँ अपने बच्चे को गले से लगा कर खड़ी है और उसे प्यार जाहिर कर रही है। इससे पता चलता है कि जंगल की दुनिया में जानवर का अपने बच्चों के प्रति मोह इंसानों से कम नहीं होता। तो दोस्तों ये तो थी कुछ रोमांचक और ट्विस्ट से भरी बैटल ऑफ, जिन्हें देखने के बाद कहा जा सकता है कि टॉप प्रीडेटर्स को कभी कभी मुंह की खानी पड़ती है। जरूरी नहीं कि लड़ाई में हमेशा ताकतवर जीव की ही जीत हो। जो जानवर हमेशा शांत दिखाई देता है, गुस्सा आने पर वह भी रौद्र रूप धारण कर लेता है, फिर चाहे वो बफेलो हो या वाइल्डबीस्ट। तो दोस्तों आपकी नजर में ऐसा कौन सा जानवर है जो गुस्सा आने पर शेर जैसे जानवर को भी खदेड़ सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।